खबर कोटा जिले से है, जहां दिगोद थाना क्षेत्र में 10 माह पूर्व कंपनी के अधिकारी बनकर लोगों को झांसा देकर 30 लाख हड़पने के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश निवासी नवाब अली और सुमित दिगोद क्षेत्र में जमीन खरीदने के लिए बेयंत सिंह व गुरमीत सिंह से संपर्क किया और उनके साथ मिलकर राजेंद्र मीणा को कमीशन का झांसा देकर 30 लाख रुपए हड़प लिया। उन्होंने बताया कि इस मामले को प्रकरण दर्ज होते ही पुलिस ने नीम का थाना से एक आरोपी नवाब अली समेत 2 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया है। ये करीब 9-10 महीने पूर्व दिगोद थाना एरिया में एक फर्जी कंपनी का लालच देकर लोगों से और उनको काफ़ी उनकी ज़मीन काफ़ी महंगी रेट पर खरीदने का और उसमें उनको बीच में कमीशन देने की बात को लेकर इस तरह का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर यूपी निवासी है नवाब अली, उसके खिलाफ यही नहीं जयपुर में नीमका थाना में सवाई माधोपुर में भी केसेस दर्ज हैं। इन्होंने यहाँ 2 लोकल जो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं गुरमीत और बेद सिंह, उनको संपर्क किया और उसमें राजेंद्र मीणा करके जो दिगोद निवासी हैं उनको कहा कि हम इनकी ज़मीन को खरीद लेंगे, तुम बीच में कमीशन तुम्हें मिल जाएगा। इसका लालच दिया और इससे करीब 30 लाख रुपया इन्होंने ले लिया और उसमें से काफ़ी बड़ी रकम करीब 20 लाख रुपए नवाब अली और उसका एक साथी और है सुमित, जिसको हम तलाश कर रहे हैं अभी, वो ले गए और कुछ पैसा इनके पास रह गया। तो इस तरह से फर्जी कंपनी जिसका कि कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उसका वो देकर के वो काफ़ी बड़ी ज़मीन खरीदना चाह रही है और काफ़ी पैसा देगी महंगी रेटों पे जो खरीदेगी उसका देकर और झांसे में लेकर इनसे पैसा वसूल कर लिया। ये करीब 9-10 महीने पूर्व